नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई रिम क्लासेस पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों रैंकिंग टेस्ट। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट, बिल्कुल इजी सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है अपना? रैंकिंग टेस्ट। आमतौर पे रीजनिंग एक ऐसी भाषा है, रीजनिंग एक ऐसे सब्जेक्ट है ऐसा, जिसमें सारे टॉपिक्स लगभग अपने आम जिंदगी में, डेली जिंदगी में काम आने वाले चैप्टर्स हैं। जैसे रैंकिंग टेस्ट का मतलब होता है क्रम परीक्षण। जैसे अभी तक आप इतने बड़े हो गए, कभी न कभी कोई न कोई पंक्ति में तो खड़े रहे होंगे, कहीं न कहीं तो बैठे होंगे, चाहे स्कूल की प्रार्थना बोलना से संबंधित हो, चाहे अपन रेलवे टिकट लेने के लिए टिकट के लिए लाइन में खड़े हुए हो, या फिर कहीं भी मंदिर में अपन प्रसाद चढ़ाने के लिए खड़े हो, या कहीं भी खड़े हुए हो, तो ये एक तरह से रैंकिंग हो गई, एक सीरीज बन गई, एक तरह से क्रम क्रम वाइज बैठना। अब ये क्रम वाइज बैठना कैसे भी हो सकता है दोस्तों, या तो आप सीधी एक रेखा में बैठे हो, या इस तरह आप आड़ी रेखा में बैठे हो, किसी भी तरह आपको रैंकिंग में बैठना, क्रम में बैठना ही एक रैंकिंग परीक्षण का उसका टेस्ट, टेस्ट मतलब उसके क्वेश्चन देना ही रैंकिंग परीक्षण कहलाता है, क्रम परीक्षण कहलाता है। अब इसमें किस किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, होगा सारे का सारा पंक्ति से संबंधित। हो सकता है पूछ ले कि इस पूरी पंक्ति में टोटल लोग कितने हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, या हो सकता है किसी एक व्यक्ति के स्थान पूछ ले, किसी एक व्यक्ति की बोल दे कि दाईं तरफ से आपका कौन सा स्थान है, यदि पंक्ति में कुल इतना है तो इस तरह सवाल पूछा जा सकता है। हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब स्थान परिवर्तन कैसे, अगर कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति बैठे हैं और दोनों व्यक्तियों का स्थान परिवर्तन कर दिया जाता है, उसके बाद पूछा जा सकता है कि इस पंक्ति में जो व्यक्ति का स्थान परिवर्तन हुआ, उसका अगर पीछे से ये स्थान है तो उसका आगे से स्थान कौन सा होगा, इस तरह सवाल पूछा जा सकता है। या फिर आपसे पूछेगा कि मध्य में कितने व्यक्ति है, आपको क्लास का या कोई पंक्ति का या कोई कतार का आपको टोटल लोगों की संख्या दे दी जाएगी, और आपको कोई व्यक्तियों का बाएं और दाएं व्यक्ति संबंध दे दिया जाएगा। कोई एक व्यक्ति बोलेगा इस तरफ से उनसे इस नंबर पे बैठा है, एक व्यक्ति इस तरफ से इस नंबर पे बैठा है, तो बताओ मध्य में कितने लोग हैं, इस तरह के सवाल आते हैं, वो मध्य व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने वाले प्रश्न आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है तुलनात्मक अध्ययन वाला। तुलनात्मक, तुलना कैसे की जाती है, ये इससे इतना भारी है, ये इससे इतना लंबा है, इसने इतना हल्का है, इतना रूपवान है, इस तरह आदमियों की आपस में तुलना करना ही तुलनात्मक अध्ययन वाले प्रश्न कहलाते हैं। तो ये तुलना वाले प्रश्न हो गए। तो ये लगभग आपके 5 या 6 तरह के क्वेश्चन हो गए, जिनसे बाहर कुछ नहीं होगा रैंकिंग टेस्ट में। अगर आपने रैंकिंग अच्छे से पढ़ लिया तो आपका सीटिंग अरेंजमेंट भी अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि व्यवस्थीकरण तो वही होता है। हमने आज तक ये तो है नहीं कि बैठे नहीं है, अगर होटल में खाना खाया तो गोल मेज पे भी खाया होगा, अगर आपने चेस खेला है तो आमने सामने बैठ के भी खेला होगा, अगर आपने जो ताश पत्ती खेली है वो भी आमने सामने बैठ के खेली होगी। इस तरह ये जो भी जितना अपने आम जिंदगी में काम आने वाले होते हैं, यही क्वेश्चन आपको सिटिंग अरेंजमेंट में पूछे जाएंगे। बस इनको अरेंज कैसे करना है उस तरह आपको पता करना होगा। बिल्कुल अध्ययन करें, अपन आगे की तरफ बढ़ जाएं। तो बोला ठीक है सर, इस क्लास को शुरू कर देते हैं। तो आपको टाइप वाइज बिल्कुल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन इस क्लास में मिल जाएंगे, कुछ अगली क्लास में क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस तरह बिल्कुल आराम से करते हुए अपना ये चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पर नजर पड़ती है अपनी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, अमन एक पंक्ति में बाएं से तीसरा है और उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं, तो उसका दाईं तरफ से स्थान कौन सा होगा। देखो सबसे पहले एक मैं बात बताता हूं, जैसे यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 व्यक्ति बैठे। कितने व्यक्ति बैठे हैं? 5 व्यक्ति बैठे। अब मैंने कह दिया यदि ये पी है, इसका इस तरफ से तीसरा स्थान है, इस तरफ से कौन सा स्थान है, इतने 6 बिठा देता हूँ। यदि पी है इस तरफ से इसका कौन सा स्थान है, थर्ड रैंक है, और इस तरफ से इस पी की कौन सी रैंक है, फोर्थ रैंक है। कौन सी रैंक है? फोर्थ रैंक है। तो बताइए इस पंक्ति में टोटल लोग कितने बैठे हैं। तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि 3 प्लस 4, इस तरफ से ये तीसरा, इस तरफ से चौथा, तो 3 प्लस 4 कितने हो गए, 7 हो गए सर, 7 आंसर। नो नो नो, 7 नहीं कह सकते, क्योंकि आपको अभी ये तो बिल्कुल छोटा सा बेसिक बात है, आपको समझ में आ रही होगी कि सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही है, लेकिन आप तो 7 का 7 लिख रहे हो, यहाँ पे 7 कैसे लिखे। मैंने कहा आप कह रहे हो ना कि इसका इस तरफ से स्थान है जो इसका तीसरे नंबर पर है, और इस तरफ से स्थान है इसका कौन से, चौथे नंबर पर। तो दोस्तों एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट किया जा रहा है ना, एक ही व्यक्ति को कितनी बार काउंट किया जा रहा है, 2
दो बार काउंट किया जा रहा है, इसलिए एक अपन क्या करेंगे कम करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा कि इस पंक्ति में टोटल लोग कितने हैं, 6 है। तो जब कुल व्यक्ति वाला प्रश्न आ जाए, ये तो यहाँ पे आपको दूसरे टाइप का सवाल पूछा है कि उसका दाएं तरफ से स्थान क्या होगा। अगर आपको कुल व्यक्तियों की संख्या पता ज्ञात करनी हो तो लिख लीजिए कुल व्यक्ति ज्ञात करने हो, कुल व्यक्ति या कुल वस्तु जो भी ज्ञात करने हो, तो बाएं छोर से स्थिति, बाएं छोर से स्थिति प्लस दाहिने छोर से स्थिति, छोर से स्थिति और -1, ये आपको ज्ञात करने के लिए, टोटल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। देखो ये एक ही बायां और दायां किसका होना चाहिए, एक ही व्यक्ति का बायां, एक ही व्यक्ति का दायां, उसमें से एक घटाओ। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाता, यहीं पर इसी फॉर्मूला जैसे ये सवाल पूछा दाएं तरफ से, यहीं पर आपसे दायां पूछ लिया जाता कि दाएं से स्थान क्या होगा, दाएं से स्थान क्या होगा, तो आप क्या करते, इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनता है। देखो कुल व्यक्ति है तो आप लिखते कुल व्यक्ति, कुल व्यक्ति फिर क्या करते माइनस, ये बाएं छोर से स्थिति इधर आता तो माइनस होता, तो आप लिखते बाएं छोर से स्थिति, बाएं छोर से स्थिति प्लस क्या करते प्लस में 1 कर देते, क्यों माइनस वाला इधर जाता तो प्लस हो जाता। इस तरह जो ये फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला भी किससे बना है, ऊपर वाले सूत्र से ही बना है, कोई अलग सूत्र नहीं है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए साथ के साथ, बिल्कुल नोट डाउन नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे आपको ये सवाल पूछा है तो ऊपर वाले को मैं इरेज कर दूं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अमन एक पंक्ति में बाएं से तो तीसरा है, उस पंक्ति में कुल, तो आपको दाएं से पूछा है, तो मैंने कहा ठीक है दाएं से स्थान, किसका दाएं से स्थान, तो दाएं से स्थान ज्ञात करने का अभी अभी अपने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था कि कुल व्यक्ति, कुल व्यक्ति माइनस बाएं से स्थान, दाएं से पूछा तो माइनस क्या करेंगे बाएं से स्थान, और उसमें कितना जोड़ देंगे 1 जोड़ देंगे, ठीक है सर। अब देखो कुल व्यक्ति कितने दे रखे हैं, 18 दे रखे हैं सर, बाएं से स्थान कौन सा है, तीसरा है सर, और ये घटा करके इनमें कितना जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है, 18 में से 3 गए 15, और 15 में 1 जोड़ा कितना हुआ 16, तो उस अमन का स्थान जो दाएं से होगा वो कौन सा हो जाएगा, 16 स्थान, और 16 स्थान कौन से ऑप्शन में दिखा, डी ऑप्शन में, इसलिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। आपको सब तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, सारे तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बढ़े आगे के क्वेश्चन की तरफ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लड़कियों की एक कक्षा में मधु का क्रम ऊपर से 14वां तथा नीचे से 23वां है, तो उस कक्षा में कुल कितनी छात्रा है। देखो ये इस बार कुल वाला क्वेश्चन पूछ लिया है, ज्ञात करना है, टोटल ज्ञात करना है, तब मैंने कहा टोटल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या लिखाया था, मैंने कुल ज्ञात करने के लिए मैंने कहा था कि कोई भी एक व्यक्ति है उसका बाएं और दाएं से जो क्रम है वही क्या होगा, उसको जोड़ के घटा देना है। अब यहां पे ऊपर नीचे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान, नीचे से स्थान और माइनस कितना कर दो 1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये हो सकता है बाएं दाएं की जगह ऊपर नीचे दे दे, आगे पीछे भी दे सकता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसा बोले वैसा कर देना है, बाकी कोई ऐसा चेंज नहीं होगा, क्योंकि अपने को कुछ रटना थोड़ी, अपने को समझना है। अब यहाँ पे लड़कियों के कक्षा में मधु का स्थान ऊपर से कौन सा है, ऊपर से मधु, मधु का क्रम है जो, मैं एकदम लाइन बनाता हूँ, ये मधु है, तो ऊपर से मधु का क्रम कौन सा है, ऊपर से मधु का क्रम है 14वां, कौन सा स्थान है 14वां, और नीचे से मधु का स्थान कौन सा है 23वां, नीचे से मधु का स्थान कौन सा है 23वां। अब ऊपर से तो 14वां, नीचे से 23वां, मैंने कहा इन दोनों को क्या कर दो
जोड़ दो और इसमें से कितना घटा दो, एक घटा दो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 23 और 14 कितने होते हैं, तो आपने कहा सर 37 होते हैं, और 37 में से एक घटाया कितने हुए, 36। तो कक्षा में टोटल लोगों की संख्या कितनी हुई, 36। बेसिक तौर पे आपको देखा जाए तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये मधु है, मान लो ये मधु है, ये क्या है, मधु है। ऊपर से मधु 14वें नंबर पर और नीचे से मधु कौन से हैं, 23वें नंबर पर। तो एक ही व्यक्ति की दो बार स्थिति काउंट की जाती है ना, ऊपर से करते हैं तो भी काउंट होती है, नीचे से करते हैं तो भी काउंट होती है। तो इन दोनों को मैंने जोड़ कर एक कर क्या कर दिया, कम, क्योंकि एक है जो दो बार एक ही व्यक्ति की स्थिति काउंट की जाती है, इसलिए मैंने एक क्या कर दिया, घटा दिया। तो इसमें फॉर्मूला ये याद रखने की कोई नीड नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। तो क्या आंसर आया अपना, 36, और 36 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिल्कुल आराम पूर्वक, बिल्कुल आराम से समझने वाले हैं पूरे चैप्टर को अच्छे से, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं किसी कक्षा में आकाश का क्रम है जो ऊपर से 10वां और नीचे से 20वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब आकाश ऊपर से कौन से स्थान पर है, 10वें, तो ये लो भाई ऊपर से आकाश कौन से नंबर पर है, 10th पोजिशन पर, 10वें नंबर पर। कौन है, आकाश है सर, ठीक सर। और आकाश नीचे से कौन से नंबर पर है, नीचे से सर है 20वें नंबर पर, कौन से नंबर पर है, 20वें नंबर पर। अब यही आकाश है ऊपर से तो 10वें नंबर पर है और नीचे से 20वें नंबर पर है, एक ही व्यक्ति की दो बार स्थिति काउंट होने के कारण इन दोनों को जोड़ करके एक क्या कर देंगे, कम। तो 20 + 10 कितने हुए, 30, और उसमें से घटा दिया एक तो कितने बचे अपने पास, 29। फॉर्मूला भी अपने पास यही था टोटल ज्ञात करने का, कि कुल ज्ञात करना है, कुल ज्ञात करना, तो यही फॉर्मूला था कि ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान और माइनस क्या कर दो, एक कर दो, यही तो फॉर्मूला अपने लगाया है। लेकिन बेसिक तौर पे देखते हैं आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आ कहीं फॉर्मूले की नीड है, नहीं लगता ना। बड़े आगे की क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, 29। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी वही क्वेश्चन है कि टोटल ज्ञात करना। देखो मैंने एक तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं, सारे क्वेश्चन आपको, सारे तरह के जितने आपको मैंने बताए थे 5 तरह के, तो पांचों तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं पूरे क्लास में, चाहे एक क्लास हो चाहे दो क्लास हो, सभी क्लासों में आपको सारे तरह के क्वेश्चन मिलने वाले, इनसे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। लड़कियों की एक कतार में श्वेता दोनों छोर से 21वें स्थान पर है, तो बताइए इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। ये श्वेता है कोई एक ऐसी पंक्ति, मान लो ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति के अंतर्गत जो श्वेता है दोनों छोर से, दोनों छोर से मतलब इधर से भी इधर से भी, इधर से भी श्वेता कौन से नंबर पर है, 21वें नंबर पर है, और इधर से भी श्वेता कौन से नंबर पर है, 21वें नंबर पर है। तो एक पंक्ति है, इस पंक्ति में श्वेता है, श्वेता जो इधर से भी 21वें नंबर पर और इधर से भी कौन से नंबर पर, 21वें नंबर पर, इस पंक्ति में टोटल लोग कितने होंगे। मैंने देखा कि ये श्वेता यहाँ पे है ना, श्वेता को इधर से भी काउंट करते हैं, श्वेता को इधर से भी काउंट करते हैं, श्वेता दो बार काउंट हो गई, तो इसलिए 21 + 21 जोड़कर कितना घटा दूं, एक घटा दूं, तो 21 + 21 42, और 42 में से मैं कितना घटा दूं, एक घटा दूं, तो मेरे पास आंसर क्या आया, 41। क्या आया, 41। तो उस कक्षा में टोटल लोग कितने हैं, 41 लोग हैं, तो 41 लोग कौन से ऑप्शन पे आएगा, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 52 विद्यार्थियों के एक समूह में ज्योति का क्रम ऊपर से 19वां है, तो उसका क्रम अंत से क्या होगा। वही क्वेश्चन जो अपने क्वेश्चन किया था, दाहिनी तरफ से स्थान ज्ञात करना था। अब देखो ऊपर से और अंत से बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बायां दायां बोलो, चाहे ऊपर से अंत बोलो, चाहे आगे पीछे बोलो, चाहे ऊपर नीचे बोलो, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो विद्यार्थी टोटल कितने हैं, 52 विद्यार्थी है। अगर इसका ऊपर से क्रम दे रखा है तो अंत से क्रम भी याद कर सकते हैं, और याद करने के लिए अपन ने क्या फॉर्मूला लिखा था, अंत से क्रम याद करना है, कहां से, अंत से क्रम याद करना है। तो अपन ने फॉर्मूला लिखा था कि टोटल कुल माइनस, अब इसका ऊपर से दे रखा ऊपर का स्थान, ऊपर से स्थान, और इसमें कितना जोड़ दो, एक जोड़ दो, यही तो फॉर्मूला सीखा था ना अपन ने पहले, बोला सर बिल्कुल यही सीखा था।
अब बात करें, अब ये कह रहा है ज्योति है जो ऊपर से तो 19वें स्थान पर, मान लो एक ये पंक्ति है, एक ये क्या है पंक्ति है, लाइन है, इस पंक्ति के अंतर्गत जो ज्योति है ना, जो ऊपर से ज्योति कौन से नंबर पे बैठी है, 19वें नंबर पे, कौन से नंबर पे बैठी है, 19वें पे, कौन बैठी है, ज्योति बैठी है, ठीक है सर। अब इस जो पंक्ति है, इस पूरी पंक्ति के अंतर्गत लोग कितने हैं, 52 लोग है, कितने लोग हैं, 52 व्यक्ति है। जब 52 व्यक्तियों में ज्योति ऊपर से है, ज्योति 19वें पे है, तो ज्योति नीचे से कौन से नंबर पे हो जाएगी, यही तो आपको ज्ञात करना है। जब भी ऐसा हो तो टोटल है 52, 52 में से ऊपर का स्थान घटा दो और उस पूरे में क्या जोड़ दो, एक जोड़ दो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 12 में से 9 गई कितने हुए, 3, और 4 में से 1 गई 3, 33, और 33 प्लस 1 कितना हुआ, 34। तो ज्योति का जो नीचे से स्थान होगा, इस तरफ से स्थान होगा, वह कौन सा हो जाएगा, 34वां हो जाएगा, कौन सा, 34th हो जाएगा। तो ये 34th आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्या होगा, उत्तर होगा। समझ में आया, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट भी साथ के साथ लेते रहिए, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, अगर लिख नहीं पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो रजिस्टर और कॉपी पेन आपको साथ में रखना ही है, कोशिश तो यही करनी है कि बिल्कुल आप पोज पर कर करके आराम से लिख लें, ताकि आप बाद में भी नोट्स को अच्छे से पढ़ सके, ताकि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपसे हो ना, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठ के आ जाए कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन तरीका टाइम देंगे आपको। 48 छात्रों की एक कक्षा में संजय ऊपर से 19वां और राकेश नीचे से 12वां है, तो राकेश और संजय के बीच कितने विद्यार्थी बैठे हैं। इस बार क्या ज्ञात करना है अपने को, मध्य स्थान ज्ञात करना है, और मध्य स्थान आपको ज्ञात करना होता है तो आपको क्या करना होता है, स्थान जो भी आपको दे रखे ना ऊपर और नीचे वाले, इन स्थानों का टोटल ज्ञात करो, इनका योग करो, योग करके उसमें से कुल घटा दो, और उसमें दो जोड़ दो आपका क्या आ जाएगा, दो घटा दो आपका क्या आ जाएगा, मध्य वाले आंसर आ जाएंगे। लेकिन अपन ट्रिके वगैरह यूज करने से पहले बेसिक तरीका अपनाएंगे, बेसिक बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपको बेसिक आ जाता है तो ट्रिक की आपको नीड ही नहीं पढ़नी चाहिए, है ना। एक छात्रों की एक पंक्ति में, ये एक मान लो एक छात्रों की पंक्ति, अपन तो बेसिक तरीके से ही करने वाले हैं, ताकि ट्रिक वगैरह की आपको क्या नहीं पड़े, नीड ही नहीं पड़े, ट्रिक एग्जाम हॉल में आपको याद भी नहीं आती। ये देखो, ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति के अंतर्गत आपको क्या कहा गया है कि टोटल लोग कितने हैं, 48 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो टोटल प्रश्न है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उन लोगों की संख्या कितनी है, 48 है, कितने प्रश्न है, 48 लोग हैं। अब इसने बोला है कि एक कक्षा में संजय ऊपर से, संजय है जो ऊपर से कौन से स्थान पर है, 19वें, इस तरफ ऊपर से संजय कौन से नंबर पर है, संजय ऊपर से 19वें स्थान पर, कौन से स्थान पर है, 19वें पे। फिर कहता राकेश नीचे से 12वें, राकेश नीचे से कौन से स्थान पर है, नीचे से देख लेते हैं, तो राकेश, और राकेश कौन से नंबर पर है, 12वें नंबर पे, तो आप राकेश का लिखोगे 12th पोजिशन। अब इस पंक्ति में टोटल लोग तो 48 है, ये ऊपर से 19वें, ये नीचे से, इनके बीच में भी कुछ न कुछ व्यक्ति इस तरह बैठे होंगे ना, बोला बिल्कुल सर बैठे होंगे, लेकिन वो बैठे कितने लोग हैं, यही तो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है कि कितने लोग इनके मध्य में बैठे हैं। जब 19 व्यक्ति इधर बैठ गए, 12 व्यक्ति इधर बैठ गए, जब टोटल आपको पता है, इसमें से अगर इनका टोटल मैं आपको घटा देता हूँ तो आपका क्या आ जाएगा, बीच वाले व्यक्तियों की क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। अब स्थानों का योग कर लो, या फिर आप ये कर दो, टोटल है, टोटल में से आपको क्या कर दो, स्थानों का जो योग है वो घटा दो, और अपने आप आंसर आ जाएगा। तो टोटल 48 है, उसमें से 19 और 12 कितने हो गए, 10, 10, 20, 30, 31 हो गए, तो 31 आप घटा दो, ठीक है, तो 8 में से 1 गया कितना हुआ, 7 हो गया, और 4 में से 1 गया कितना हुआ, 1 हो गया, कितना हुआ, 17 हुआ। अगर इनके मध्य 17 व्यक्ति बैठ जाए तो इनका क्या टोटल है, जो 48 हो जाएगा, तब तो ये आंसर क्या है आपका, सही है, वरना आंसर क्या है आपका, गलत है। तो आपने देखा कि सर 19, 17 और 12, इनका टोटल कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए, तो 19 और 17 का, 12 का टोटल कितना हुआ, 31, और 31 में अगर मैं 17 जरूर किया, 48 हो रहे हैं, बोला सर बिल्कुल 48 हो रहे हैं, तो मतलब मध्य में जो व्यक्ति बैठे उनकी संख्या कितनी है, 17 व्यक्ति है, कितने व्यक्ति हैं,
17 व्यक्ति बीच में बैठे हैं, क्योंकि इसमें अगर टोटल नहीं दिया जाता तो आप आंसर देते निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर इस क्वेश्चन के अंतर्गत ये कुल व्यक्तियों की संख्या है ये दी नहीं जाती, बोल दिया जाता कि छात्रों की एक कक्षा में संजय ऊपर से 19वां, राकेश नीचे से ये है, तो संजय और इसके बीच कितने विद्यार्थी हैं। ऐसी सिचुएशन में आप कहते हैं कि सर निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप निर्धारित कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, बोला बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से आपको क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, आ गया ना। बोला ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्लियर हो चुका, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहना चाहता है आपके सामने। बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां है। नीता का क्रम जो बाएं सिरे से 15वां, यदि दाईं ओर 4 स्थान सरक जाती है तो वह दाएं सिरे से 8वें क्रम पर हो जाती है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे। मान लो ये एक पंक्ति है, ये एक लाइन है, ये लाइन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, लाइन है, ठीक है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बेसिक तरीका, बेस्ट तरीका होता है। नीता बाएं सिरे से 15वीं है, इस तरफ से ये वाला सिरा जो बायां होता है, इस तरफ से नीता है जो कौन से नंबर पर है, 15वें नंबर पे, 15, और कौन है, नीता है, तो ठीक है नीता लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये क्या कहता है, यदि दाई और 4 स्थान सरक जाते हैं, नीता इस तरफ से दाई तरफ कौन से 4 स्थान और सरक जाती है, तो 15 पे थी, 4 स्थान और खिसक गई, तो कितने पे हो गई, इस तरफ से 19वें पे, इस तरफ से कौन से नंबर पे हो गई, 19वें नंबर पे हो गई, 15 पे तो बैठी थी, 4 और खिसक गई, तो कितने नंबर पे चली गई, 19 चली गई, तो वह दाएं सिरे से 8वें, यहां पर बैठ जाने के कारण ये इस तरफ से कौन से नंबर पर हो जाती है, 8वें नंबर पर, कौन से नंबर पर हो जाती है, 8वें नंबर पर हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जब मैंने पहला टाइप अपन ने पढ़ा था कि एक ही व्यक्ति की बाएं व दाएं की स्थिति, ये देखो इसकी बाएं से और ये देखो इसकी दाएं से स्थिति, एक ही व्यक्ति की जो बाएं और दाएं की स्थिति दे रखी है, तो दोनों स्थितियों को जोड़ करके एक घटा दो, आपका पंक्ति का टोटल कुल याद ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे 19 और 8 कितने हो गए, 27, और 27 में से जब एक घटाया कितना हुआ, 26। तो पंक्ति में इस लाइन में कुल व्यक्ति कितने बैठे हैं, 26 व्यक्ति बैठे हैं, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, सही उत्तर होने वाला है। पढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बोला ठीक है सर, तो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दे देते हैं। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने, कि 30 लड़कों की एक पंक्ति में आर दाएं छोर से चौथा है, आर दाएं छोर से कौन सा है, चौथे नंबर पर है, और जबकि डब्लू बाएं छोर से 10वें नंबर पर है, तो आर और डब्लू के बीच कितने लोग बैठे हैं। देखो बिल्कुल हूबहू वही पर्सन है, यहाँ पे देखो आर डब्लू दे दिया और कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चन वैसा का वैसा है। टोटल लोग कितने हैं, अब देखो टोटल लोग, ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति के अंतर्गत टोटल लोग कितने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लोग है 30, कितने हैं, 30 लड़के हैं, 30 बॉयज है। अब 30 बॉयज की पंक्ति में आर दाहिने छोर से चौथा है, ये आर है तो दाहिना छोर तो यही है, और इस तरफ से आर बैठा है, कौन से नंबर पर बैठा है, 4th पोजीशन पर बैठा है। डब्लू बाएं छोर से, डब्लू बाएं छोर से कौन से नंबर पर है, डब्लू बैठा है, और बाएं छोर से 10वीं पोजीशन पर बैठा है। तो आर और डब्लू के बीच में कितने लोग हैं, जब यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 30 लोग हैं, इसमें से ये इस तरफ इतना है, ये इस तरफ इतना है, तो इन दोनों के अलावा जो बचे इनके कहाँ है, बीच में ही तो बैठे हैं ना, यहाँ पे ही तो बैठे हैं। बोला बिल्कुल सर यहीं पर बैठे हैं। तो मैंने कहा टोटल में से अगर इसका बायां और दायां वाला स्थान जोड़ दूं और इसमें से घटा दूं तो अपने बीच वाले आ जाएंगे, तो 10 और 4 14 घटा दिए, तब बीच में जो लोग बैठे हैं वो कितने व्यक्ति बैठे हैं, 16 व्यक्ति बैठे हैं, कितने व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पर, 16 व्यक्ति बैठे हैं। तो बीच वाले लोगों की संख्या निकालनी है, बीच में कितने लड़के हैं, तो 16 लड़के, और 16 लड़के कौन से ऑप्शन में दिखा आपको, बी ऑप्शन में, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, लड़कों की एक पंक्ति में संदेश दाई ओर से 8वां, जबकि चंकी बाई ओर से 12वां। जब संदेश और चंदी अपनी अपनी स्थितियां अदल बदल कर लेते हैं, तो चंकी है
जब चंकी है तो बाईं ओर से 21वां आ जाता है तो दाईं ओर से संदेश की स्थिति क्या होगी? ये सवाल आ गया आपका स्थान परिवर्तन से संबंधित। कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी सवाल आए बिल्कुल एक लाइन बना दो, पंक्ति बना दो और जैसा जैसा बोलता वैसा करते जाओ, बिल्कुल आपका पहले वाला टाइप की तरह सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो ये एक लाइन है, मान लो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है और ये इतनी लंबी लाइन है अपने पास में और यहाँ पे ये लाइन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है सर, यही पंक्ति है हमारे पास। इस पंक्ति में क्या कहता है, संदेश दाईं ओर से, संदेश दाईं ओर से 8वें स्थान पर है। संदेश तो दाईं ओर से, ये लो भाई इस तरफ से संदेश कौन से नंबर पर है, 8वें नंबर पर है और 8वें नंबर पे कौन बैठा है, संदेश बैठा। तो आपने क्या नाम लिख दिया, संदेश लिख दिया। ठीक है सर, फिर कहता है चंकी बाईं ओर से 12वां, ये चंकी है जो इस तरफ से, चंकी कौन से नंबर पर है, 12वें नंबर पर, और क्या नाम है इसका लड़के का कि चंकी नाम है, क्या नाम है, चंकी नाम है। जब संदेश और चंकी अपनी अपनी स्थिति अदल बदल कर लेते हैं, मतलब कि ये जो चंकी है, ये चंकी है वो तो कहाँ पे बैठ जाता है, चंकी है वो तो यहाँ पे बैठ जाता है और ये जो संदेश है वो कहाँ पे बैठ जाता है, यहाँ पे बैठ जाता है। अब यहाँ पे कौन बैठ गया दोस्तों, चंकी बैठ गया और यहाँ पे कौन बैठ गया दोस्तों, संदेश बैठ गया, क्योंकि इन लोगों ने अपनी स्थितियां क्या है, अदल बदल कर ली है। तो अदल बदल अपन ने करवा दी। बोला ठीक है सर, तो चंकी बाईं ओर से 21वां हो जाता है, चंकी यहाँ पे जो बैठता है इस जगह बैठने के कारण चंकी इस तरफ से कौन से नंबर पे हो जाता है, 21वें नंबर पे हो जाता है, कौन से नंबर पे हो जाता है, 21वें नंबर पर हो जाता है। तो फिर कहता है तो दाईं ओर से संदेश की स्थिति क्या होगी, संदेश की स्थिति है जो इस तरफ से, जो संदेश यहाँ पर बैठने के कारण ये स्थिति क्या होगी। जब आपको ये ज्ञात करनी है तो पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, टोटल। और टोटल कैसे ज्ञात करें, आपको पता है कि संदेश है, चंकी है इस तरफ से 21वें नंबर पर है, ये आपको अभी अभी बताया है। अगर इस तरफ से ये 21वें नंबर पर है तो इस तरफ से कौन से नंबर पे होगा, 8वें, क्योंकि पहले यहाँ पे संदेश बैठा था तो दाईं ओर से कौन से नंबर पे बैठा था, 8वें नंबर पे। अगर आपने टोटल याद कर लिया तो आपको जो पूछा वो याद कर सकते हो। बोला बिल्कुल, जब एक ही व्यक्ति की बाएं व दाएं की पोजीशन आपको दे दी जाती है, एक ही व्यक्ति की बाएं दाएं की पोजीशन दे दी जाती है और टोटल पूछ लिया जाता है तो दोनों पोजीशन को जोड़कर क्या कर देते हैं, एक घटा देते हैं। 8 + 21 कितने हुए सर, 29, और 29 में से एक गया कितना हुआ, 28। तो 28, तो इस पंक्ति में टोटल लड़कों की संख्या कितनी है, 28। 28 क्या है, टोटल लड़कों की संख्या है। अब जब आपको टोटल पता है, इसने बोला संदेश की दाईं ओर से, जब संदेश की आपको पता है कि बाईं ओर से संदेश की स्थिति कौन सी हो जाएगी, 12वीं, जो आपको दे रखी है। जब संदेश की बाईं तरफ से स्थिति दे रखी है, दाईं तरफ से ज्ञात करनी है तो आपको संदेश की, लिख देता हूं, संदेश की क्या ज्ञात करनी है, दाएं से स्थिति ज्ञात करनी है, दाएं से स्थिति ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करोगे कि सर टोटल तो दे रखी है तो टोटल कितना है, 28, संदेश की जो बाईं तरफ से स्थिति कितनी है, 12वीं, ये घटा दोगे और इसमें एक जोड़ दोगे तो दाईं तरफ से स्थिति आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। 28 में से देखो 12 गए, 8 में से 2 गए 6 और एक 16, और 16 में एक जोड़ा कितना हुआ, 17। तो संदेश की जो दाईं तरफ से स्थिति जो भी होगी वो कौन सी हो जाएगी, 17वीं हो जाएगी। तो 17वीं, तो बी ऑप्शन आप सभी के लिए क्या हो जाएगा, आंसर रहेगा। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया ना? बोला बिल्कुल क्लियर हो गया। तो बिल्कुल जल्दी से फटाफट पोज कर लो, उतारते रहो और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो इसको इरेज कर दूं, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में किरण नीचे से 7वें स्थान पर जबकि सोहन ऊपर से 9वें स्थान पर है, मोहन दोनों के ठीक बीचों बीच है, तो मोहन से किरण की स्थिति क्या होगी। अब जैसा इसने बोला है ना, अगर दोस्तों आपने वैसा वैसा कर दिया ना तो आंसर आपके फटाक से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। देखो ये जो रैंकिंग हुआ, सीटिंग हुआ, ये जो आम भाषा में या आम तौर पर हमारे डेली जीवन में काम आने वाले क्वेश्चंस है कि इनमें हमेशा अपन डेली जीवन में बैठते उठते रहते हैं, पंक्तियां बनाते रहते हैं, पंक्तियों में बैठते रहते हैं, आज तक बैठे भी हैं। तो बिल्कुल उस तरह से 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा है। अब देखो इस नीचे और ऊपर वाला दिया, ये मान लो ये एक 35 विद्यार्थियों की कक्षा है। देखो भी थोड़ी सी सीधी लाइन बनाते हैं, ये लो, ये टोटल लोगों की संख्या कितनी है, 35, यहाँ से स्टार्ट की है अपने और यहाँ पे खत्म की है,
और यहाँ से यहाँ तक विद्यार्थी टोटल कितने हैं अपने पास, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 35 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है सर, ये इसने बोल दिया, हमने भी ऐसा का ऐसा छाप दिया। ठीक है, अब कहता है एक कक्षा में किरण नीचे से सातवें, नीचे से, ये नीचे से है और नीचे से किरण कौन से नंबर पर है, ये लो भाई किरण है और किरण कौन से नंबर पर है, सातवें नंबर पर है। तो अपन ने लिख दिया भाई किरण लिख के नाम और सातवें नंबर पर किरण को बिठा दिया, तो ये लो बिठा दिया सर। ठीक है, फिर कहता है जबकि सोहन ऊपर से नौवें स्थान, सोहन है जो ऊपर से, और सोहन कौन से नंबर पर बैठा है, ये लो भाई सोहन, और ऊपर से कौन से नंबर पे बैठा है, नौवे नंबर पे बैठा है, तो अपन ने सोहन को भी यहाँ पे बिठा दिया। फिर कहता है मोहन दोनों के ठीक बीचों बीच, ये लो ठीक बीचों बीच वाली स्थिति, यहाँ पर किसको बिठा देते हैं अपन, मोहन जी भाई साहब को बिठा देते हैं, तो ये लो भाई मोहन को भी बिठा दिया, तो ये लो मोहन को बिठा दिया। अब क्या कहता मोहन से किरण की स्थिति, इस मोहन से किरण की स्थिति क्या है, मोहन से किरण की स्थिति क्या है, कौन से नंबर की है। अब आपने देखा कि इनके बीच में कितने हैं, तभी तो आप पता कर पाओगे ना, मतलब बीच में कैसे याद करें सर कितने लोग हैं। मैंने कहा अगर मोहन को भूल जाओ तो बीच वाले याद कर सकते हो टोटल, बोला बिल्कुल सर। तो मैंने कहा टोटल लोग कितने हैं, 35 है, और मध्य लोगों की याद संख्या याद कर इन दोनों को जोड़ दो, तो 16 घटा दूंगा, कितने घटा दूंगा, 16 घटा दूंगा, तो मध्य जो भी लोग हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने लोग बैठे हैं सारे सारे लोग याद कर सकता हूँ, बोला बिल्कुल सर आप मध्य वाले लोगों को याद कर सकते हैं। तो 15 में से 6 गया, कितने बचे मेरे पास, 9, और 2 में से 1 गया, कितने बचे, 1, तो कितने लोग हैं बीच में, 19 लोग हैं। जब 19 लोग बीच में है तो एक व्यक्ति मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ, एक व्यक्ति यहाँ पे बिठा देता हूँ, 9 इधर बैठ जाएंगे, 9 इधर बैठ जाएंगे, तो एक ही, 9 9 18 कितने होते हैं, 19 होते हैं, क्योंकि 9 व्यक्ति इधर बिठा दूं, 9 व्यक्ति इधर बिठा दूं, बीच में कौन बैठ जाएगा, मोहन खुद बैठ जाएगा, तो 9 9 18 19 व्यक्ति बैठ गए ना, बैठ गए। तो इस तरफ से मोहन से किरण की स्थिति क्या है, किरण की स्थिति 9 तो ये बीच में हो गए, किरण कौन से नंबर पे हो जाएगी, 10वें नंबर पे, इसलिए ए ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा भाई। 9 तो बीच में हो गए और 10वें नंबर पे कौन हो गई, किरण हो गई, इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बोला ठीक है सर। आप देखो आपके सामने क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में समीर का ऊपर से 12वां स्थान, समीर का ऊपर से कौन सा स्थान है, 12वां, आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है, तो नीचे से आलोक का कौन सा स्थान होगा। एक लाइन है, ये लो एक पंक्ति है, इस पंक्ति के अंतर्गत टोटल यहाँ से लेकर के और यहाँ तक टोटल जो भी लोग बैठे हैं तो वो कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 40, कितने, 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं। बोला ठीक है सर, 40 स्टूडेंट्स को बिठा दिया है। अब ये कहता है कि एक कक्षा में समीर ऊपर से, जो यहाँ से समीर का स्थान है, यहाँ से ऊपर से, और कौन बैठा है, ये समीर बैठा है, तो ठीक है सर समीर को बिठा दिया, और समीर का कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है, ऊपर से कौन सी रैंक है समीर की, 12वां स्थान है, 12वीं रैंक है। फिर क्या कहता है कि आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है, आलोक जो समीर से, तो समीर 12वें नंबर पे है, तो आलोक ऊपर से कौन से नंबर पे हो जाएगा भाई, ऊपर से आलोक की बात करूं तो 20वें नंबर पे हो जाएगा, कौन से नंबर पे हो जाएगा, 20वें नंबर पे हो जाएगा। तो आलोक का नीचे से कौन सा स्थान होगा, जब आलोक का ऊपर से 20वां है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये पंक्ति, इसमें टोटल लोग कितने हैं, 40 दे रखे हैं, जब कुल दे रखा है एक व्यक्ति का, एक तरफ से स्थान दे रखा है तो दूसरी तरफ से याद कर सकते हैं, तो टोटल माइनस ये जो एक तरफ का स्थान और इसमें कितना जोड़ दूं, एक जोड़ दूं, तो 20 + 1 कितना हुआ, 21, तो आलोक का जो नीचे से जो स्थान होगा वो कितना होगा, 21 हो जाएगा, और 21 कौन से ऑप्शन में दिखा आपको, बी ऑप्शन में, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये देखो आपका नया क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों में बबलू ऊपर से 16वें नंबर पर, बबलू ऊपर से 16वें तथा नीचे से 29वें नंबर पर, 6 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 विद्यार्थी फेल हो गए, तो उस परीक्षा में कितने विद्यार्थी थे,
इस परीक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने थे? आपको पता है कि सभी बच्चों में, उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों में बबलू ऊपर से 16वां और नीचे से 29वां। मान लो ये इतनी लाइन है, ये पंक्ति है जिसमें सारे के सारे उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी है, पास वाले विद्यार्थी है। इसमें बबलू है जो ऊपर से, बबलू इस तरफ से ऊपर से कौन से नंबर पर है? 16वें नंबर पर। कौन से नंबर पर? 16 नंबर। क्या नाम है? बबलू। ठीक है सर, बबलू है। और नीचे से बबलू कौन से नंबर पर? इस तरफ से नीचे से कौन से नंबर पर है? 29वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? 29वें। यहाँ पे कौन बैठा है? बबलू बैठा है। तो यहाँ से यहाँ तक पास होने वाले टोटल लोग कितने हो गए? तो आपने कहा सर इन दोनों को जोड़ दो, एक घटा दो, 9 और 5, 9 और 6 15 हासिल गई एक, और ये तीन, तीन रे कितने हुए? 4। इसमें से एक घटाया कितने हुए? 44। टोटल लोग कितने हुए पास होने वाले? 44। लेकिन इसने बोला प्रतियोगिता में 6 लोगों ने भाग नहीं लिया और 5 बच्चे फेल हो गए, है तो इसी कक्षा के ना? यारे जो भी स्टूडेंट है तो इसी का क्लास के ना? बोला बिल्कुल इसी क्लास के हैं। उसने परीक्षा में कुल कितने बच्चे थे यही पूछा है ना उस परीक्षा में, तो टोटल लोग तो यही थे, 6 ने भाग नहीं लिया, 11 ने, ये 5 ये हो गए, तो 6 और 5 11, इसमें 11 और ऐड कर दो, 11 और ऐड कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? टोटल का पूछा है तो टोटल कितने लोग हैं? 55 लोग हैं, 55 विद्यार्थी हैं। तो सी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, इस तरह कंफ्यूज करने के लिए आपको ये लाइनें दे दी जाती हैं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बोला ठीक है सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कहता है? एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह किए हुए 25 बच्चों में क्यों दाएं छोर से 8वां तथा क्यू और डी के बीच में 10 बचे, तो बाएं छोर से डी का कौन सा स्थान होगा? अब देखो इसमें एक दिशा विशेष को प्रदर्शित किया है, उत्तर दिशा दी है। कोई बात नहीं, अगर आपको दिशा कैसे भी दे दी जाए, आपने डायरेक्शन चैप्टर पढ़ा होगा और डायरेक्शन पढ़ने के बाद शायद आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होती है, मतलब ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। इस पंक्ति में जितने भी लोग बैठे हैं सब लोगों का मुंह है जो किस दिशा की तरफ है? उत्तर दिशा की तरफ है। किस दिशा की तरफ है? इस तरफ है। जब कोई व्यक्ति का मुंह इस तरफ होता है तो अपना जिधर बायां होता है उधर इनका बायां होगा, अपना जिधर दायां होगा उधर ही इनका दाहिना होने वाला है। कोई घबराने की नीड नहीं है। फिर कहता है पंक्ति उत्तर की तरफ मुंह किए हुए 25 बच्चे हैं। इस पंक्ति में टोटल लोग कितने बच्चे हैं? 25। कितने बच्चे हैं? 25 बच्चे हैं टोटल के टोटल। तो ठीक है 25 बच्चे बैठे हैं। फिर कहता है क्यों दाएं छोर से, भाई दाएं छोर से इस तरफ से क्यों कौन से नंबर पर है? 8वें नंबर पे। कौन से नंबर पर? 8वें नंबर पर। और ये कहां पर कौन बैठा है? क्यों। और कौन से पोजिशन पर है? 8th पोजिशन पर। ठीक है सर 8th पोजिशन पर कौन बैठा है? क्यों बैठा है। फिर कहता है क्यू और डी के बीच में 10 व्यक्ति। अब देखो मान लो ये क्यू यहाँ पे बैठा है तो डी में मान लो यहाँ पे बिठा देता हूँ। डी कहाँ पे बिठा देता हूँ? यहाँ पे बिठा देता हूँ। इसने कहा इन दोनों के मध्य, इन दोनों के यहाँ पे बीच में कितने लोग हैं? यहाँ से यहाँ तक ये बीच वाले संख्या है। यहाँ पे कहता है कि 10 स्टूडेंट बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 10 बैठे हैं। फिर बोलता है कि बाएं छोर से, तो बोलता है कि यहाँ से इसका डी का कौन सा स्थान है? ये आपसे क्या करता है? पूछता है। अब मेरे को बात बताओ, अगर यहाँ तक पीछे वाले लोग आपको पता रहेगा तो आगे वाले लोग तो अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि अपने को पता है कि इस पंक्ति में टोटल लोग कितने हैं? 25 लोग हैं, तो आप निकाल सकते हो। अब आपने ये जोड़ा 10, यहाँ तक हो गया 8, 10 18, और ये कितने नंबर पे? 19वें नंबर पे। तो इस तरफ से डी का कौन सा नंबर हुआ? 19वें नंबर। इस तरफ से 19वें नंबर। जब आपको इस तरफ से नंबर पता है, किसी व्यक्ति का एक तरफ से स्थान पता है तो दूसरी तरफ से स्थान याद करना है, तो टोटल में से ये घटाकर एक जोड़ दूंगा, तो टोटल कितने हैं? 25। और 25 में से कितने घटाऊंगा? 19। 19 घटा के क्या कर दूंगा? एक जोड़ दूंगा, तो कितने में? 6। और 6 में एक जोड़ा कितना हुआ? 7। तो मतलब इस तरफ से जो इसका डी का स्थान होगा वो कौन सा हो जाएगा? 7वां स्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 7वां। 7वां कौन से ऑप्शन में दिखा? ए ऑप्शन में। इसलिए ए ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, समझा दूं एक बार वापिस से समझा दूं। ठीक है, देखो एक ये लाइन है, एक ये पंक्ति है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये पंक्ति है। इस पूरी पंक्ति में टोटल लोग कितने बैठे हैं? 25 विद्यार्थी बैठे हैं। कितने विद्यार्थी? 25। अब ये कहता है इसमें क्यों दाई ओर से, तो ये लो भाई दाई ओर से। और कौन से नंबर पर बैठा है क्यों? 8वें नंबर पर। तो आपने लिख दिया कि 8th पोजिशन पर बैठा है, तो ठीक है सर 8th पोजिशन बैठा है।
फिर कहता है क्यू और डी के बीच में, यहाँ पे डी बिठा दिया और इस डी और क्यू के बीच में लोग कितने बैठे हैं, 10 लोग बैठे दिए, 10 लोगों को बिठा दिया। अब जब आपको पता, फिर पूछा कि डी का बाएं ओर से, तो बाएं ओर से स्थान पूछा है। अब आपको पता करना है यहाँ डी का इस तरफ से कौन सा स्थान है, तो यहाँ तक 8 लोग, 10 लोग, ये 18 और ये 19वां खुद हो गया। तो इस तरफ से जो डी का स्थान होगा वो कौन सा हो जाएगा, 19वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 19वां हो जाएगा। जब एक व्यक्ति का एक तरफ से स्थान मालूम हो और दूसरी तरफ से ज्ञात करना हो, तो टोटल में से जो भी मालूम है स्थान उसको घटा देते हैं और उसमें एक जोड़ देते हैं, तो टोटल 25 थे, 25 में से 19 घटाया 6 और एक जोड़ दिया, कितने हुए, 7। तो इसका बाएं तरफ से स्थान कौन सा हो गया, इस तरफ से 7वां स्थान। समझ में, क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन है। उत्तर की ओर मुंह किए हुए बच्चों की पंक्ति में मनीष सुरेश के बाएं चौथा था, चौथा है, फोर्थ है, जो बाएं छोर से 10वां है। निशा सुरेश के दाएं को दूसरी है और पंक्ति में दाएं छोर से 8वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। आपको कुछ नहीं करना, जैसा ये कहा वैसा वैसा करते जाओ। ये एक लो पंक्ति बना दो, पहले क्या कर दो, पंक्ति बना दो, और जितने भी पंक्ति, इस पंक्ति के सारे लोगों का मुंह किस तरफ करवा दो, उत्तर दिशा की तरफ। तो ये लो भाई, उत्तर दिशा की तरफ सारे लोगों का मुंह करना है, ठीक है। अब ये देखो क्या कहता है, मनीष सुरेश के बाएं चौथा है। मनीष जहां भी है, सुरेश के बाएं कौन सा है, चौथा है। मान लो सुरेश यहाँ है, मान लो सुरेश यहाँ है, और सुरेश के बाएं कौन से नंबर पे है, चौथा। तो 1 2 3 और यहाँ पे जो चौथा पोजिशन है ये वाली, यहाँ पे कौन बैठा है, मनीष बैठा है, सुरेश के बाएं चौथा बैठा है, जो बाएं छोर से 10वां, जो मतलब किससे, हमेशा जस्ट पहले। और सुरेश जो भी यहाँ पे बैठा है ना, ये बाएं छोर से कौन से नंबर पर है, 10वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है, 10वें नंबर पर है। निशा सुरेश के दाएं दूसरी है, ये निशा है जो सुरेश के दाएं, तो पहला दाया तरफ मतलब इस तरफ, तो ये पहला और दूसरा, तो यहाँ पे कौन बैठी है, निशा। एक व्यक्ति बीच में बैठा था अभी, तो दूसरे, और यहाँ पे कौन बैठी है, निशा बैठी है, तो निशा को बिठा दिया। फिर क्या कहता है, और पंक्ति में दाएं छोर से 8वीं, और पंक्ति में निशा का नंबर दाएं छोर से कौन सा है, 8th पोजीशन है। कौन सा नंबर है, 8वां है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। अब देखो एक ही व्यक्ति का बाया और दया, जब आपको पता है कि सुरेश इस तरफ से 10वें नंबर पर है, सुरेश कौन से नंबर पर है, 10वें नंबर पर है, और यहां से सुरेश का स्थान मालूम करना, तो यहां से निशा तक 8, फिर ये 9 और 10, इस तरफ से भी सुरेश का स्थान देखा जाए तो कितने नंबर पे होगा, 10th पोजीशन पे। जब एक ही व्यक्ति का बायां और दायां स्थान मालूम होता है और टोटल पूछ लिया जाए, तो आपको क्या करना, बायां दायां को जोड़ देना और एक क्या कर देना, कम कर देना, तो 10 10 20 और 20 में से एक गया, कितने हुए, 19। तो क्लास में टोटल लोग कितने हुए, 19, और 19 कौन से ऑप्शन के अंतर्गत दिखा, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, सही होने वाला। क्वेश्चन लंबा, लेंथी लैंग्वेज बदल दी जाती है, मैंने हर लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देने की कोशिश की है, ताकि आप बिल्कुल भी क्या ना हो, कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल अच्छे से आपका एग्जाम हो, अच्छे से आप क्वेश्चन सोल्व कर सको। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बोला ठीक है सर नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चवालीस छात्रों की एक पंक्ति है, 44 लोगों की एक पंक्ति है, उसमें ए दाएं छोर से, तो एक बताते हैं, पहले पंक्ति बनाते हैं, ये लो यहाँ से लेकर यहाँ तक लो, टोटल पंक्ति कितने हैं, इस पंक्ति के अंतर्गत यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर और यहाँ तक टोटल जो विद्यार्थी बैठे हैं उनकी संख्या, तो छात्रों की कितना है, 44 स्टूडेंट्स है, ठीक है सर, ये अपन ने लिख दिया है। क्या कहता है, एक का दाएं से छोर से स्थान उसके बाएं छोर से स्थान के दुगुना है, एक का जो दाएं छोर का स्थान है उसका बाएं छोर के स्थान का दुगुना है, तो मतलब बायां एक है तो ये दुगुना है, तो 1:2 है ना, यही मतलब हुआ, बोला ठीक है सर। तो एक का दाएं छोर से स्थान ज्ञात करना है, दाएं छोर वाला स्थान आपको ज्ञात करना है, एक का जो दाएं छोर का स्थान है बाएं छोर के स्थान का क्या है, दुगुना है, तो बाएं छोर का 1 है तो इसका अनुपात कितना हो गया, 2 हो गया। और पता है कि टोटल ये जो कितने दिख रहा है, 44 दिख रहा है,
कितना दिख रहा है यहाँ पे, 44 दिख रहा है। लेकिन अगर अपन ऐसे दायां और बायां को जोड़े, इन दोनों को जोड़े दिए, कितना हो गया 45। क्यों हो गया? क्योंकि अपन देखते हैं ना, ऐसे करते हैं ना, कोई व्यक्ति होता है, इसका इस तरफ से स्थान और इस तरफ से स्थान करते हैं तो ये टोटल जोड़ते हैं तो ये उतना होता है, जैसे मान लो 45 हो गया, और कुल ज्ञात करना, इसमें से एक कम करें तो कितना आ गया, 44 हो गया। अब आपको पता है कि इसी व्यक्ति का बाएं से ये अनुपात, दाएं से ये अनुपात, तो टोटल किसके अनुपात के बराबर होगा, 45 के। टोटल किस अनुपात के बराबर होगा, 45। अगर 45 में मैं अगर भाग दे दूं 3 का, तो एक अनुपात का आ जाएगा, तो 45 भाग दिया, टोटल अनुपात कितना है, 3 है। आपको क्या बोला, एक का दाएं छोर से स्थान बोला, तो इसका क्या कर दूं, दाएं छोर के स्थान के अनुपात से गुणा कर दूं, 3 से कितनी बार, 15, और 15 दुनी कितना हुआ, 30। तो इस व्यक्ति का जो दाएं तरफ से जो भी स्थान आएगा वो कौन सा आ जाएगा, 30वां, और बाएं तरफ से स्थान कौन सा आ जाएगा, बाकी जो बचे, तो बाएं तरफ से स्थान कौन सा आ जाएगा, 15वां। अब आपने देख लिया, इससे स्पष्ट हो गया कि इसने बोला ना, एक का दाएं छोर से स्थान बाएं छोर का दुगुना है, इस तरफ से 15 है, इस तरफ से 30 है, क्या इसका दुगुना हो रहा है, बोला दुगुना हो रहा है। तो दाएं छोर से इसका स्थान कौन सा हो गया, 30वां स्थान, कौन सा हो गया, 30वां स्थान। एक बार वापिस बताऊं क्या, वापिस बताऊं, चलो एक बार वापिस बता देता हूं, ठीक है। देखो ये एक लाइन है, इस लाइन के अंतर्गत लोग बैठे हैं। अब बोला कि एक इस तरफ से जो स्थान है और इस तरफ से जो स्थान है, ठीक है, इस तरफ से जो भी एक का स्थान है, ये मान लो एक है, तो इस तरफ का स्थान जो दुगुना है इससे, तो ये अनुपात 2 है, तो एक अनुपात 2 में लिख दिया। लेकिन अगर इसमें टोटल लोगों की संख्या ज्ञात करने, तो वो आपको दे रहे कि 44। तो मैंने कहा 44 तो एक कम करके लिख रखिए, क्योंकि यहाँ से अगर कोई कोई व्यक्ति का 10वां स्थान है, यहाँ से 20वां है, तो 30, तो 30 में से 1 29 कम, तो टोटल कितने हो गए, 45 हो गए। क्योंकि 44 अपने को टोटल दे रखे, तो इस तरफ से मान लो एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट किया जाता है, तो अपने एक घटाया वो वापस जोड़ दिया। लेकिन ये 45 किसके बराबर, इन दोनों के जोड़ के अनुपात, तो 45 में भाग दिया किसका, 3 का, तो 1 का आ गया। अब आपको पूछा किसका, दाएं तरफ से दाएं तरफ का अनुपात कितना, 2, तो ये 15 और 15 दूनी 30, तो दाएं तरफ से इसका स्थान कौन सा हो गया, 30वां। और बाएं से पूछ लेते क्या करते, 45/3 गुणा 1, और बाएं से कितना आ जाता, 15। इस तरफ से पूछ लेता कितना जाता, 15। अब टोटल पूछ लेता, एक तरफ से आपका 15वां है, एक तरफ से 30वां है, दोनों को जोड़ के एक कम कर दो, तो 45 में से एक किया कम कितना हुआ, 44। चेक करने का तरीका आया समझ में, बोला बिल्कुल सर, क्लियर हो चुका है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बोला ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्या कहता है, सचिन बाएं से 9वां, विराट दाएं से 15वां, और बीच में 4 है, तो अधिकतम कुल व्यक्ति कितने बैठे जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अधिकतम की बात होगी, किसकी बात होगी, अधिकतम, कोई बात नहीं, ये एक लाइन है, ये एक पंक्ति है, आपसे अधिकतम का पूछा जा सकता है, न्यूनतम का पूछा जा सकता है, बीच में कितने व्यक्ति बैठे जा सकते हैं, इस तरह आपको सवाल भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस के प्रश्न है, आप आराम से कर लोगे, बिल्कुल मुझे विश्वास है। सचिन बाएं से कौन से नंबर पर, 9वें नंबर पर, बाया यही होता है, और बाएं से सचिन जी कौन से नंबर पर बैठा है, 9वें नंबर पर, तो लिख दिया आपने सचिन, और बाएं से सचिन की स्थिति कौन सी लिख दी, 9th रैंक, ये लो सचिन को बिठा दिया। फिर कहता है विराट दाएं से 15वें, इस तरफ से विराट कौन से नंबर पे बैठा है, 15 नंबर पर, 15 नंबर पे, और कौन बैठा है यहाँ पे, विराट बैठा है, तो ठीक है भाई विराट को बिठा दिया। और ये कहता बीच में 4 हैं, बीच में जो भी लोग हैं, बीच में जो भी इनके बीच में बैठे हैं यहाँ पे, तो वो कितने व्यक्ति हैं, 1, 2, 3 और ये 4 बैठे हैं। अधिकतम कितने बिठाए जा सकते हैं, अधिकतम बिठाने का यही तरीका है ना, इसके अलावा आप कैसे बिठा सकते हो, कैसे भी बिठा सकते हो भाई, अधिक से अधिक ज्यादा सीटें खानी हो तो इसी तरह बिठा सकते हो ना, ये तो है नहीं। आप कहोगे सर कोरोना चल रहा है, कोरोना की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए हम तो एक एक सीट बीच में छोड़ के बिठाएंगे, वो बिठा देना, लेकिन इस क्वेश्चन में कोरोना नहीं लगाना है, कोरोना वाले रूल मत लगाना। अब इनको जोड़ दो, ये आपको 9, 15 और जो बीच में दे रखे इन सब तीनों संख्या को जोड़ दो, अधिकतम आ जाएगा 15+9+4 13, 9, 5, 14, 4, 18, 1 और 1 रेख कितने हुए, 2, तो
तो टोटल संख्या कितनी आ गई, 28। और 28 कौन से ऑप्शन में देखी, ए ऑप्शन में, तो 28 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, अभय आगे से 6वां, भानु पीछे से 18वां और बीच में 15, तो टोटल लोग कितने होंगे। क्या कह रहा है, अभय आगे से, ये आगे से, और कौन से नंबर पे, 6 नंबर पर, और कौन है, अभय है, तो ठीक है अभय लिख दिया। भानु पीछे से 18वां, ये भानु है पीछे से, और भानु कौन से नंबर पर है, 18वें नंबर पर, तो ठीक है 18वें नंबर पर। और बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ये बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये लो भाई 5 व्यक्ति बीच में बिठा दिए। आपको कुल पूछा है, अधिकतम ही ज्ञात कर सकते हो, न्यूनतम भी आंसर रह सकता है, दोनों में से कोई सा भी आंसर यहाँ पे रह सकता है, लेकिन जैसा कहा है वैसे आपको बिठाना। आपको यहाँ पे देखो यही बोला कुल, अब आपके ऑप्शन में या तो अधिकतम वाला रहेगा, अधिकतम वाला, या फिर रहेगा न्यूनतम वाला, अब दोनों में से एक उत्तर रहेगा, ठीक है। अगर दोनों उत्तर ऑप्शन में हो तो आप नन ऑफ दिस कर देना, ठीक है, लेकिन दोनों ऑप्शन कभी एक साथ रहते नहीं है, ये बीच वाला है तो बीच वाला लिख दो। अब देखा आपने ऐसे किया, 6 प्लस 18 कितने हुए, 24, और बीच वाले 5 कितने हुए, 29। ये ऐसे ही करते हैं, ऊपर से बीच वाला और नीचे से इनको जोड़ देते हैं, तो इनका टोटल किया तो कितना हुआ, 29 हुआ। क्या 29 ऑप्शन के अंतर दिख रहा है, दिख रहा है, दैट मीन्स 29 टोटल लोगों की संख्या है, तो अधिकतम वाला पर्सन है, कौन सा है, अधिकतम संख्या ज्ञात करने वाला। न्यूनतम का आगे क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा न्यूनतम कैसे बैठाना है। अब देखो आपके सामने ये क्वेश्चन है, छात्रों की एक पंक्ति में अजय आगे से 8वां तथा इसी पंक्ति में भरत पीछे से 13वें स्थान पर, यदि इन दोनों के मध्य 5 विद्यार्थी हो तो न्यूनतम। देखो ये न्यूनतम वाला प्रश्न आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक छात्रों की एक पंक्ति है, उसमें अजय आगे से 8वां, ये अजय है, आगे से कौन से नंबर पर है, 8वें नंबर पर, और कौन, क्या नाम है इसका, अजय है, तो अजय को बिठा दिया, ठीक है सर, यहाँ पे बिठा दिया। फिर कहता है इसी पंक्ति में भरत पीछे से, भरत जो पीछे से कौन से नंबर पर है, 13वें नंबर पर, 13 नंबर पर, क्या नाम है, भरत है, और इन दोनों के बीच में कितने बैठे हैं, यहाँ पे 5 बैठे हैं। आपको न्यूनतम पूछा, अगर अधिकतम पूछता तो आप इसी तरह बिठाते ना, इसी तरह बिठाते, लेकिन न्यूनतम बताना है कि इस पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं न्यूनतम, तो ऐसे तो आप बिठा नहीं सकते, तो सर कैसे बिठाए आप हमें ये बताओ, कि ऐसे आप कह रहे हम नहीं बिठा सकते तो कैसे बिठाए, इसको आपने देख लिया, इरेज कर दूं, बोला ठीक है सर। अब देखो ये एक लाइन है, भरत आगे से, अजय आगे से 9, 8वें स्थान, तो यहाँ से आगे से, इस तरफ से अजय कौन से नंबर पर, मान लो यहाँ पे बैठा है, आगे से कौन से नंबर पे, यहाँ पे बैठा है, और तो कौन सा नंबर पे बैठा है, 8, क्या नाम है, अजय। फिर बोलता है भरत पीछे से, तो भरत इस तरफ से बैठा है, इस तरफ से चलते हैं, और भरत कौन से नंबर पे बिठा देता हूँ मैं, 13वें नंबर पे बैठा देता हूँ, कितने नंबर पे, 13वें पे। अब देखिए पंक्ति थोड़ी लंबी कर देते, 13वें नंबर पे किसको बिठा देता हूँ, भरत को, लेकिन भरत इस तरफ से 13वें, इन दोनों के मध्य 5 व्यक्ति होने चाहिए, तो मैंने कहा एक, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, 1, 2, 3, 4 और 5 व्यक्ति बिठा दिए, यहाँ पे कौन बैठा है, भरत बैठा है, यहाँ पे भरत बैठा है, ये लो मैंने 5 व्यक्ति बिठा दिए। अब बोलता है टोटल लोग कितने, अब आपको टोटल लोग याद कैसे करने, जब यहां तक ये 13 नंबर पे बोला है मैंने, यहां से नीचे वाले याद कर लूंगा, तो ये 13 नंबर पे है, तो यहाँ से भरत, यहाँ से पीछे कितने लोग हैं, देखो ये 12, 11, 10, 9, 8, 7 और 6, 7 तो यहाँ तक है, तो यहाँ तक पीछे लोग कितने बैठे हैं, यहाँ से नीचे नीचे, बोला सर यहाँ से नीचे नीचे 6 लोग बैठे हैं, कैसे पता चला, देखो सर 6 नंबर ये, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसने यही तो बोला भरत इस तरफ से कौन सा होना चाहिए, 13वें नंबर पे। अब इसने बोला पंक्ति में न्यूनतम, तो न्यूनतम लोग कितने, एक ही व्यक्ति का जब बायां और दायां दे दिया जाए
या फिर आपको ये दे दीजिए, एक ही व्यक्ति का बायां और दायां नहीं दे रहा है, यहाँ पे आठ पीछे दे रहे हैं, छह ये आठ और छह कितने हो गए, 14 हो गए, कितने हो गए 14। तो इस पंक्ति में न्यूनतम कितने बिठाए जा सकते हैं, 14 बिठाए जा सकते हैं। अब बोला सर और कोई तरीका है क्या इसमें, और कोई डायरेक्ट अपन जुगाड़ करें क्या, तो मैंने कहा और कोई डायरेक्ट जुगाड़ कर लेते हैं। अब देखो ये अजय है 8वें नंबर पर, ये है 13वें नंबर पर, है ना, तो इसमें से क्या जुगाड़ करें, टोटल अपने को दे नहीं रखा, टोटल अपने से तो टोटल पूछा तो और कोई जुगाड़ नहीं है। इसको एक बार मैं और समझा देता हूँ, और अभी जुगाड़ अपन कर लेंगे, ट्रिकें लगाएंगे, आपके ट्रिक है जो आपके वहां पे भूल जाऊंगी, ध्यान नहीं रहेगी, एक बार वापस समझा देता हूँ। ये एक लाइन थी, इस पंक्ति में यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई व्यक्ति बैठे हैं, और अजय है आगे से, इस तरफ से अजय कौन से नंबर पे है, 8वें नंबर, ये आप ध्यान रख लेना अजय की स्थिति है, और अजय की स्थिति कौन सी है, 8वीं स्थिति है, कौन सी है, 8। ये बोलता है कि अजय और जो ये भरत है इनके मध्य 5 लोग हैं, न्यूनतम बिठाना है। तो भाई इस तरफ से भरत आएगा, और इस तरफ से भरत कह रहा है कि मैं 13वें नंबर पर हूँ, कौन से नंबर पर हूँ, 13वें नंबर पर, ये मान लो 13वां नंबर यहाँ है, 13, और कौन बैठा है, भरत है, और यहाँ पे कौन बैठा है, अजय है, इन दोनों के बीच में 5 लोग है यहाँ पे, तो 5 लोग अपन बना देते हैं, एक दो तीन चार, और ये लोग 5 लोग बिठा दिए, बिठा दिए ना 5 लोग, बोला ठीक है। अब भाई यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं, ये 6वें नंबर पे बैठा है, तो यहाँ पे 8 है, इससे नीचे कितने लोग हो जाएंगे, भाई ये 8 है यहाँ पे, 8वां पोजिशन है ऊपर से इसका, तो इसके पीछे यहाँ पे कितने लोग रहेंगे, अगर वो आपको पता चल गए तो न्यूनतम ज्ञात कर सकते हो, टोटल ज्ञात कर सकते हो, बोला बिल्कुल। तो यहाँ तक मैंने कहा कितने लोग हैं, 6 लोग, बोला सर 6 लोग कैसे हुए, मैंने कहा ये देखो 7वां, फिर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, हो गया ना, 13वां होना चाहिए, तो यहाँ पे कितने लोग हैं, 6 हैं, टोटल याद करें तो ये यहाँ से ऊपर 8 बैठे हैं, नीचे कितने बैठे, 6 बैठे हैं, तो 8 प्लस 6 कितने हो गए, 14 हो गए, कितने हो गए, 14 हो गए, आया समझ में, बोला आया, ठीक है। बड़े आगे की तरफ, ट्रिक वाली जगह अपन ट्रिक भी देखेंगे, बिना ट्रिक वाली जगह अपन जो ट्रिक ऐसी लगे आपको बिल्कुल सेकंडों में याद रह जाए, वहां पे काम आ जाएगी। देखो फालतू की ट्रिकों पे ज्यादा ध्यान देने से अच्छा है कि आपका बेसिक ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि इन क्वेश्चनों में आपका कॉमन सेंस ही काम आता है, ट्रिक वहां पे बहुत कम लोग यूज करते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में शुभम आगे से 16वां, फिर दीपक पीछे से 11वां, यदि दोनों परस्पर स्थान अदल बदल कर ले तो दीपक पीछे से 14 हो जाएगा, तो पंक्ति में कुल कितने लोग, ये एक पंक्ति है, ये क्या है, पंक्ति है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें कुछ लोग बैठे हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं सर, क्या कहता है, एक पंक्ति में शुभम आगे 16वां, इस तरफ से शुभम कौन से नंबर पर है आगे से, बोला सर 16वें नंबर पर, और 16 नंबर पे कौन बैठा है, शुभम, तो ठीक है सर शुभम को बिठा दिया है। फिर कहता है दीपक पीछे इस तरफ से, और कौन से नंबर पे बैठा है, 11वां, मैं थोड़ा इनका दूर बिठा देता हूँ इनको, भाई इस तरफ से दीपक कौन से नंबर पे बैठा है, 11वें, और क्या नाम है, दीपक। फिर कहता है यदि परस्पर अदल बदल कर ले, ये स्थान यहाँ पे, मतलब ये कह रहा है कि दीपक तो यहाँ पे बैठ जाए, दीपक कहाँ पे बैठ जाए, यहाँ, तो ठीक है दीपक, और ये शुभम है जो कहां पे बैठ जाए, यहाँ, ये स्थान अदल बदल कर ली, ठीक है, तो दीपक पीछे से 14 हो जाता है, तो दीपक यहाँ बैठने के कारण दीपक यहाँ से नीचे से कौन सा हो जाता है, इस तरफ से नीचे से पीछे से कौन सा हो जाता है, 14वां हो जाता है, तो पंक्ति में कुल ज्ञात करना है। अब दीपक इस तरफ से 14वां है, तो इस तरफ से 16वां है, ये तो आपको क्या है, पता है, जब एक ही व्यक्ति का आगे और पीछे का स्थान पता है और टोटल ज्ञात करना है, तो इन दोनों स्थानों को जोड़ दो और एक क्या कर दो, कम कर दो, तो ये 16 और 14 कितने हो गए, 30, और 30 में से जब मैं एक घटा दूं कितना हुआ है, 29, और 29 क्या है, टोटल लोगों की संख्या है, तो इसमें ऑप्शन कौन से में है, तो बोला ऑप्शन ए में क्या है, 29 है, तो 29 आपका क्या जाने वाला है, आंसर। बड़े आगे की तरफ, बोला ठीक है सर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, ये लो क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने,
एक पंक्ति में 60 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं? 60 विद्यार्थी हैं। राम बाएं से स्थान है, राम का बाएं से 20वां और श्याम दाएं से 15वें स्थान पर है, और राम और श्याम के बीच उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। ये कहता है यहां से लेकर यहां तक एक पंक्ति है, इस पंक्ति के अंतर्गत टोटल लोगों की संख्या कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल है जो आप कह दिया सर की 60 है, कितने हैं? 60 है। कहता है राम बाएं से 20वां, इस तरफ से बाएं से 20वें नंबर पे कौन बैठा है? 20 नंबर पर राम बैठा है। कौन बैठा है? राम बैठा है। श्याम दाएं से 15 नंबर पर, इस तरफ से श्याम कौन से नंबर पर है? 15 नंबर पर। और कौन बैठा है? श्याम बैठा है। आपको बोलता है विद्यार्थियों के बीच में संख्या कितनी है, जब आपको टोटल पता है तो उसमें से जो भी ये दोनों के जोड़ के घटा दो तो बीच वाली आ जाएगी। तो इनका कितना हुआ? 35, और 60 में से आपने कितना घटाना है? 35 घटाना है, तो पीछे कितने बच जाएंगे? 25। तो यहाँ पे बीच में जो भी लोग बैठे हैं वो कितने लोग बैठे हैं? 25 लोग बैठे हैं। और 25 कौन से ऑप्शन में दिखा आपको? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन परफेक्ट उत्तर होने वाला है। तो इस तरह आज की क्लास में आपने 20 क्वेश्चन कर दिए हैं, कल की क्लास में इतने ही क्वेश्चन आपको और मिल जाएंगे, ताकि आपका ये चैप्टर और ज़्यादा अच्छे से मजबूत हो जाए, क्योंकि अभी तुलनात्मक अध्ययन वाले क्वेश्चन भी बाकी पड़े हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है जो बाकी है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाने हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।